यूं तो हर शख्स यहाँ पहचाना सा लगता है। ये सुनिएगा इस तरीके से कि अगर आप में से कोई बाहर से है, कोई बाहर से है आप सब में से जो इस शहर से बाहर से है, तो जब मैं पुणे में होती हूँ तो मैं कैसा फील करती हूँ, क्योंकि दिल्ली मेरा शहर है, वो ना भी होके कहीं ना कहीं मेरा शहर नहीं है पुणे। तो यूं तो हर एक शख्स यहाँ पहचाना सा लगता है, ना जाने क्यों शहर ये फिर अनजाना सा लगता है। नुक्कड़ बातें करते हैं, गलियां भी मुस्काती हैं, उन राहों से जाकर आना ना जाना सा लगता है। और चांद यहाँ भी वो वाला है, रातें भी कुछ अलग नहीं, आसमान को तक कर तब भी वीराना सा लगता है। यूं तो हर एक शख्स यहाँ पहचाना सा लगता है। और गिनने बैठूं यारों को तो फहरिस्त यहाँ ना छोटी है, गिनने बैठूं यारों को तो फहरिस्त यहाँ ना छोटी है। बिछड़ा बिछड़ा मुझको फिर भी याराना सा लगता है। अपना अपना कहते हैं हम उनको और वो हमको, फिर भी हर एक रिश्ता कुछ बेगाना सा लगता है। यूं तो हर एक शख्स यहाँ पहचाना सा लगता है। और माँ और बाबा दूर बहुत हैं, भाई बहन भी पास नहीं, ऐसे में गैरों से मिलना दिल तड़पाना सा लगता है। और मिला बहुत कुछ, नाम और शोहरत पैसे की भी कमी नहीं, चमक धमक में उलझा गुमनामी का ताना बाना सा लगता है। यूं तो हर एक शख्स यहाँ पहचाना सा लगता है। और आखिरी दो लाइन पढ़ती हूँ इसकी, कि पूछे कोई घर पहुँची क्या, कह देती हूँ हाँ कब का। पूछे कोई घर पहुँची क्या, कह देती हूँ हाँ कब का, बिन घर जाए हाँ कह देना दिल तड़पाना सा लगता है। यूँ तो हर एक शख्स यहाँ पहचाना सा लगता है।